नमस्कार। नरेश कृषि केंद्र में आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। आज 2020 में जो आज पूरा खेतर व्हाइट सदर है और हमारे पास जो ये रॉयल खेडूत आए हैं, तो काफ़ी सारे हमारे वीडियो देखा, फिर हमारा कॉन्टेक्ट किया कि सर आपके साथ एक फील्ड में मुझे आना है। तो आज ये रॉयल खेडूत हमारे फील्ड पे हमारे साथ प्रांची गोल्डी 333 के फील्ड पे आए हैं। नमस्कार, मैं रॉयल खेडूत चैनल से आया हूँ। और सर ये कौन सी वैरायटी है? ये प्रांची गोल्डी 333 है। और ये कितनी एकड़ यील्ड देता है? एकड़ यील्ड 15 क्विंटल से लेकर 27 क्विंटल तक एक एकड़ यील्ड है। और इसमें दूसरी ट्रीटमेंट क्या की गई है? जो इसमें ट्रीटमेंट में ज्यूरस ऑर्गेनिक बैक्टीरिया दिया गया है और केटा पाउडर दिया गया है। तो आज समझ लो कि नीचे से लेके ऊपर तक टिंडे लगे हैं और पूरा फुलफुला है। और उसको समझ लो कि 3 फीट का जब हो गया तब ऊपर से ट्रॉपिंग किया गया था, ये देखो तो पूरा फुलफुला है और 3 फीट में इसको ट्रॉपिंग किया गया था। और आज टिंडे भी इतनी मात्रा में है जो आज समझ लो कि दिसंबर महीने में है, तो दिसंबर में इतना हरा भरा फील्ड कहीं पे भी नहीं और इतना वाइल्ड। मैं क्या बताता हूँ, उसका जो आप प्रांची गोल्डी 333 आप बोल रहे हैं, तो उसका बढ़िया कैरेक्टर क्या है? तो इसका कैरेक्टर पहले तो अर्ली है। नीचे से फल टिंडे लगने की क्षमता है। अच्छा, सबसे कम बीमारी आती है। और इरिगेटेड में कहा इरिगेटेड में चलेगी? दोनों में चलती है। तो पिछले साल को किसी को लगाया है किसान को? पिछले साल काफी सारे किसानों ने लगाया था। 27 पिछले साल कर्नाटका में 27 क्विंटल तक लिया गया था। अच्छा, रिस्पॉन्स अच्छा है? रिस्पॉन्स 15 से लेकर 27 क्विंटल तक यील्ड आई थी। अच्छा अच्छा, स्टेपल कैसा है? स्टेपल बढ़िया। सकिंग पेस कितना? सकिंग पेस एकदम कम। अच्छा था, अभी इधर जो फील्ड में हम देख रहे हैं पूरा, वो तो एक एक पॉड में कितना आपका आ रहा है? देखो ना, जो ब्रांच से भी आप देखेंगे तो ये एक ही ब्रांच से अलग हुआ है, बराबर। तो ये 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5 और 5 में से यहाँ पे भी ये निकली है 6। मतलब जहाँ से ये ड्रॉप किया गया एक ब्रांच से, फिर भी 6 से ब्रांच से निकली। मतलब इसका फुटाव जो आज ज्यूरस बैक्टीरिया और केटा पाउडर देने से मिट्टी की कार्बन फर्टिलिटी बहुत बढ़िया होती है। वो बात सही है, हमें तो ब्रांचेस पहले से बहुत निकल रही है ने? और आज टिंडे भी है। टिंडे बहुत निकल रहा है, वो भी हम देख रहा है। देखो ये टिंडे, तो किसी किसान इधर देखने के लिए आते हैं? और काफी सारा सुबह में समझ लो ना 800,000 किसान आए थे देखने। अच्छा सर, वो आपको लगाया है तो आपको टेक्निकली आइडिया क्या लगाना है कि आपको प्रोडक्शन बोल रहा है कि अच्छा मिल रहा है, तो आपका इसका सोइंग का डिस्टेंस क्या है, किसे रखा है? जो लाइन टू लाइन 5 फीट है। अच्छा। और प्लांट टू प्लांट 2 फीट है। 2 फीट तो 1 एकड़ में कम से कम आप बोल रहे हैं, वो वजह से है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको 1500-3500 के आसपास प्लांट आएंगे। अच्छा, और एक प्लांट पे समझ लो कि 150 से लेके 200 तक बॉन्ड्स है। तो एक प्लांट में आपको कम से कम, ऐसा मेरे को आप देख रहा हूँ, 1 kg-1.5 kg के आसपास मिलने वाला है। आराम से मिलने वाला है। तो प्रोडक्शन अच्छा मिला, इतना प्रोडक्शन आ रहा है, इतना फ्लावरिंग टिंडा है, तो ये वो वैसे कैसे हो जाएगा? केमिकल के ट्रीटमेंट आपको कैसे करवाएंगे? तो पहले तो इसमें ज्यूरस दिया गया। अच्छा सर, शुरू से ज्यूरस और केटा पाउडर का क्या बेनिफिट मिलते हैं? ज्यूरस देने से समझ लो उसके रूट जोन बढ़ते हैं। अच्छा सर, और मिट्टी में जो कार्बन की मात्रा बढ़ाने में ज्यूरस और केटा दो तो पौधे में जो भी खुराक चाहिए फर्टिलाइजर का कम। ज्यूरस में क्या है? बैक्टीरिया है। कितना टाइप का बैक्टीरिया है? 32 टाइप बैक्टीरिया कल्चर है। अलग अलग एनपीके बैक्टीरिया है, एनपीके, ट्राइकोडर्मा, क्रोमोनास, और एक न्यूट्रिशन का बैक्टीरिया ज्यूरस में कंटेनर कंसीडर है ना? है। अच्छा सा, तो पीसीआर भी कंसीडर है? पीसीआर भी है। अच्छा सा, तो ज्यूरस की एक्टिविटी होने के लिए फूड की तो जरूरत पड़ती है ना? तो उसके लिए केटा पाउडर है ना? केटा पाउडर क्या काम करते हैं? वो सब लोग मिट्टी में जो कार्बन की क्षमता बढ़ाने का काम करते हैं, बढ़ाने के लिए काम, डिकम्पोजिंग करते हैं, फर्मेंटेशन का काम केटा करते हैं। तो मतलब गोबर की सलरी डालो वो जितना काम करता है उससे भी ज्यादा केटा पाउडर काम करता है। वो क्या है, कॉटन में लगा जरूरत पड़ती है कि हरेक क्रॉप में? कोई भी क्रॉप में लगाओ। मैंने समझ लो कि जाम के बगीचों में दिया तो जाम भी एक नंबर बना। केटा और ज्यूरस। और मिर्ची में दिया तो मिर्ची में जबरदस्त रिजल्ट है। नागलवाड़ी में मैंने टमाटर में दिया था तो वहाँ पे जो टमाटर में वायरस थे तो वायरस भी हट गया, आज अच्छा खासा टमाटर निकल रहा है। वो मेरे को ये देख रहा है तो वो इतना अच्छा ग्रीनरी लग रहा है,
और अच्छा फार्म है, प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो इसकी वजह से पीछे के तो केटा और जीवरस का रोल भी है, जबरदस्त रोल है उसका, मानो ना तो इसका ही सबसे बड़ा रोल है। अच्छा। ये तो वेराइटी हम लोग दम वाली है, अर्ली वेराइटी है, नीचे से बोन लगने की क्षमता है। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि किसी को किसान को ब्रांसी कोल्डी लगाना है तो आपको इन्फॉर्मेशन, आपको गाइडलाइन आप देगा मेरे को, आपको जो हमारे कॉन्टेक्ट में रहना है तो जो ये वीडियो में भी हम नंबर देते हैं, कभी भी आपके क्रॉप की फोटो वीडियो भेजो तो हम आपको ट्रीटमेंट करवाएंगे। नहीं, हर एक किसान को एक एक डिमांड होती है अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए, तो हर एक किसान को एक एकड़ का 8-10 क्विंटल का प्रोडक्शन मिलता है कॉटन में, बहुत परेशानी प्रोडक्शन की वजह से। तो हम क्या बोल रहे हैं कि आपकी वेराइटी प्रांसी गोल्डी किसान लगाएगा तो किसान को ट्रीटमेंट करवाने के लिए आपको रिकमेंडेशन करवाएगा, आपको प्रोवाइड कर सकते हैं? हाँ, हम प्रोवाइड पेस्टिसाइड को आपको जो गाइडलाइन दे देते, गाइडलाइन भी हम करते हैं। अच्छा। और उन लोगों को ज्यूरस केटा चाहिए तो वहाँ तक पहुँचाते भी है। तो अलग हर एक कंपनी वो क्या है बोलते हैं, सीड का बिजनेस करती है तो पेस्टिसाइड का नॉलेज नहीं होते और ट्रीटमेंट के नॉलेज नहीं होते, ट्रीटमेंट की रोल नहीं होते, तो किसान परेशान होते हैं। वेराइटी तो किसी के ले रहे हैं, बाद में अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए ट्रीटमेंट का तो रोल होते नहीं, तो आपको दोनों भी रोल करवा देते हैं। टेक्निकली भी आदमी है, रोल है हमारे। और इस चैनल में जाएंगे काफी सारे वीडियो आपको मिलेंगे। मैं मेरे मध्य प्रदेश में मैं भी फील्ड पे जाता हूँ, महाराष्ट्र में भी जाता हूँ, हर एक क्षेत्र में हर एक किसान के खेत तक भी जाता हूँ। और जो किसान को हमारी ट्रीटमेंट लेनी है तो हमारे कॉन्टेक्ट में रहेंगे। किसान को क्या चाहिए आपको? अच्छी पैदावार, अच्छी पैदावार चाहिए किसान को, अच्छी पैदावार चाहिए आपकी पास तो परिचित कर देगा। तो आपको यूट्यूब में आपको अच्छी ऐसी टेक्निकली गाइड्स भी करना पड़ता है। वो देते हैं ना, अभी तो सोशल का समय है, तो आपको एक ही आदमी भी हर एक किसान को आपको कंसीडर भी कर सकते हैं बात करके, कम से कम ट्रीटमेंट करवाने के लिए आपको हर एक किसान को आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से जो लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो उन सभी, आज काफी सारे ऐसे किसान हैं जो हमारे साथ जुड़े, वहाँ पे काफी सारे उसके अगल बगल वाले लोग भी देखने जाते हैं। हर एक किसान को ऐसा प्रोडक्शन चाहिए। नहीं, हम बोल रहे हैं आपको प्रांसी गोल्डी लगाने वाला है, पिछले साल हम बोलेगा किसी को, हर एक किसान को बोलेगा लगा दो, पर आपको मार्गदर्शन नरेश कृषि केंद्र से मेरे को मार्गदर्शन चाहिए। पूरा ट्रीटमेंट मिलेगा नरेश कृषि केंद्र की ओर से, आपको पूरे का पूरा ट्रीटमेंट मिलेगा। जो भी किसान भाइयों को ट्रीटमेंट लेना है तो हमारे कॉन्टेक्ट में जुड़े रहिए, और इस वीडियो में हम हमारा नंबर भी देंगे, और कभी भी आपको कुछ भी है तो उसकी फोटो और वीडियो मुझे भेज देना। ठीक है ओके सरस वेरी।